आज जनपद सभागार में ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने और वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों को ही दुकान खोलने देने पर फैसला किया गया। बैठक में प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे, जनपद CEO महेश पाटीदार, जनपद अध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष, सांसद और विधायक प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिस पर बैठक में प्रभारी तहसीलदार ने सभी सुझावों को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भेजने की बात कही और अनलॉक को लेकर और भी कई सुझाव कमेटी के सदस्य द्वारा दिए गए। बाजार अनलॉक कब होगा यह जिले के निर्देश प्राप्त होने के बाद ही पता चलेगा। इस अवसर पर प्रभारी तहसीलदार बर्डे ने कहा कि व्यापारियों को भी व्यापार करना है तो वह भी अपनी जिम्मेदारी समझे, सभी मास्क पहने और अपनी दुकानों के सामने गोले बनाए। सेगावां से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी, क्या निर्णय लिया गया सर? आज जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे कोविड गाइडलाइन, उसके ऊपर विचार किया गया और आगे 1 जून से क्या किस दुकानों को खोला जाए, किस पे प्रतिबंध रखा जाए, शासन के निर्देश अनुसार निर्णय हुआ है। गाइडलाइन पे सहमति बनी है सब क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों की और कुछ सुझाव भी आए हैं, जिसमें से खास करके जो बड़ा कस्बा है यहाँ पे जो दुकानें हैं, सारी दुकानें जो प्रतिबंध हटी हुई दुकानें थी जिनमें छूट थी उसके अलावा भी खोलने के सुझाव आए हैं, जिसको हम जिला क्राइसिस मैनेजमेंट को सुझाव भेजेंगे और नियमानुसार आगे की कार्रवाई। क्या नाम लिखते हो? राकेश मंडे, प्रभारी तहसीलदार। मंदिर मस्जिद जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ पे 4 लोग रहेंगे, 4 लोगों की परमिशन ले लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं ले लेंगे। और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की परमिशन दी हुई है। इसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से 144 आदेश जारी होगा, उसमें सारे स्पष्ट निर्देश आते हैं। विवाह में 20 लोगों का है, वर पक्ष से 10 और वधु से 10। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।